और अब क्रिमिनल्स, एक बंद घर, दो लाश और हत्यारा थाने जाकर कहता है मैंने उन दोनों को मार डाला। डबल मर्डर की ये मिस्ट्री होश उड़ा देने वाली है। पुष्पा स्टाइल इज बैक और आज क्रिमिनल्स में तस्करों का राज भी खुलेगा। फ्रेंडशिप में साइबर फ्रॉड की वारदात भी होगी जो कह रही है ऐसी दोस्ती कर देगी कंगाल। बरेली के बहरूपिये ने कैसे लगाया 27 लाख का चूना जरूर देखिए। कहां ग्राहक बनकर आए लुटेरे, शूट आउट लाइव आपको दिखाएंगे। और होगा फरियादी ने रखा आरोपियों पर 51,000 रुपए का इनाम का खुलासा। एक घर में दो लाशें पड़ी थीं। जिस डबल मर्डर के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को कोई खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि दोहरे हत्याकांड का आरोपी खुद ही थाने जा पहुंचा और पुलिस के सामने कहता है मैंने उन दोनों को मार दिया, मेरे घर पर दोनों की लाश पड़ी है। आरोपी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था, आखिर दूसरा कत्ल किसका हुआ और डबल मर्डर के पीछे की वजह जानिए इस रिपोर्ट में। मैंने बीवी का मर्डर किया है। मैंने किसी और को भी मारा है। कुल्हाड़ी से वार, हैवानियत की हदें पार। डबल मर्डर, शक में खूनी खेल। जब थाने पहुंचा हत्यारा, इस थाने में पुलिस वाले एक शख्स की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। वो शख्स पुलिस वालों के सामने ना तो किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आया था, ना ही किसी की शिकायत लेकर, बल्कि वो शख्स अपने जुर्म का कबूलनामा कर रहा था और पुलिस वालों को कहता है उसने डबल मर्डर किया है। ये भी कि उसने एक महिला की हत्या की है, एक आदमी का भी कत्ल किया है और कहता है लाश उसके घर पर है। आखिर डबल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है और जो शख्स खुद को कातिल बता रहा है उसका सच क्या है? इसी सच की तफ्तीश के लिए पुलिस की टीम उस जगह पर जाती है जहां दोहरा हत्याकांड होने की बात उस शख्स ने की थी। निवाड़ी की कोतवाली थाना इलाके के केना गांव में देवरा खेरा रोड पर बने इस घर में आखिर हुआ क्या था? इसमें उसके द्वारा स्वयं थाने आकर उसके द्वारा बताया गया कि ये घटना उसके द्वारा कारित की गई। सबसे पहले पुलिस की नजर इस कुल्हाड़ी पर पड़ी जो खून से सनी हुई थी और जब पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। कमरे में दो लाश पड़ी थी। ये लाश थी अनीता कुशवाहा और घनश्याम रायकवार की। दोनों को कुल्हाड़ी से वार करके मारा गया था, यानी जो शख्स थाने पहुंचा था वो सच कह रहा था। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देने वाला राम गोपाल कुशवाहा है जो मृत का अनीता का पति है। रामगोपाल ने पत्नी अनीता की हत्या की, लेकिन जिस दूसरे शख्स को मारा गया आखिर वो कौन था और दोनों के कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? निवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत केना ग्राम में एक डबल मर्डर की घटना घटित हुई है जिसमें जो आरोपी है वो मृतका का पति है। तो इसका खुलासा भी डबल मर्डर के आरोपी राम गोपाल ने किया जिसने पुलिस को बताया कि घनश्याम पूजा पाठ के बहाने आया था और उसने पत्नी के साथ उसे अवैध संबंध बनाते देख लिया। इसमें चरित्र की शंका पर उसने ये घटना कारित की है और जो व्यक्ति है जो मृतका के साथ में जिसकी मृत्यु हुई है जिसको आरोपी ने मारा है उसका नाम घनश्याम रायकवार सामने आ रहा है और ऐसा पता पड़ रहा है कि यहाँ पूजा पाठ के बहाने वो आया हुआ था और महिला के साथ में अवैध संबंध बनाते हुए पति ने पकड़ा है जिस पर से उसने इनका मर्डर किया। बीबी के कैरेक्टर पर शक और इस शक में खूनी खेल दिल दहलाने वाला है। निवाड़ी से हृदेश तिवारी के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फ्रेंडशिप में साइबर फ्रॉड, ठगी का ये नया तरीका नहीं है, लेकिन चेहरा बदलकर ठग चले आते हैं। ऐसी ही दोस्ती के जाल में एक महिला फंस गई जिसे लग गया 27 लाख का चूना। कहीं ऐसी दोस्ती के फेर में आप तो नहीं फंस रहे? देखिए यह खुलासा, ऐसी दोस्ती और कॉल खतरे की घंटी। दोस्ती का जाल, फ्रेंडशिप में साइबर फ्रॉड। पार्सल वाली चाल, नटवरलाल मालामाल। एक कॉल, 27 लाख की ठगी। गुनाह का रूट, यूपी टू अंबिकापुर। बरेली वाले बहरूपिए, चेहरे पे न जाने कितने चेहरे, न जाने कौन बन जाए ऐसे गैंग का मोहरा। सोशल मीडिया पर ऐसी ही दोस्ती की कहानी है ये। 400 बीसी का ये वो खेल है जिसमें ठग दोस्ती का जाल बिछाते हैं, जिससे इनका शिकार इनकी बातों के जाल में आसानी से फंस जाए। अंबिकापुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक महिला की इंस्टाग्राम पर एक शख्स से दोस्ती हुई और ये दोस्ती उसे चूना लगा गई, क्योंकि ये दोस्ती ठग से हुई थी। इस दोस्ती के बाद महिला को कॉल आया, कनाडा से उसका पार्सल आया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। जिस पार्सल को छुड़वाने के लिए कुरियर डिलीवरी के नाम पर कस्टम क्लियरेंस का झांसा देकर 27 लाख की ठगी की गई। जुलाई माह में कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थिया के द्वारा आकर शिकायत की गई थी कि उसको एक फ़ोन इंस्टाग्राम के माध्यम से और फिर फ़ोन के माध्यम से जब चर्चा हुई, तो चर्चा के दौरान आरोपी के द्वारा यह बताया गया कि उनका पार्सल जो है कनाडा से आया हुआ है और उस पार्सल को आप इतना रुपए जमा करेंगे तो वो पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा। और ऐसे करते करते विभिन्न समय में कुल उनसे साइबर फ्रॉड के रूप में लगभग 27 लाख रुपये की ठगी जो है वो आरोपिया के साथ यानी प्रार्थिया के साथ आरोपी के द्वारा किया गया था। ना तो कोई पार्सल आया था, ये तो नटवरलाल गैंग की चाल थी। जिस गैंग का शिकार हुई महिला कुछ समझ पाती तब तक उसे लाखों का चूना लग चुका था। मामला कोतवाली थाने पहुंचा और फिर खुलासा हुआ ठगी की इस वारदात का। आखिर कहां से ये कॉल आया था, जिस ठगी का कनेक्शन जुड़ा बरेली से। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई कि यूपी के बरेली से गैंग ने कॉल किया जिसमें कई किरदार थे। एक किरदार जिसने सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, इसी गैंग का दूसरा किरदार कस्टम अधिकारी बना और फिर कई बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कराए गए। जानकारी, तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई जिसके आधार पर इनकी जानकारी बरेली उत्तर प्रदेश की प्राप्त हुई थी, जिसमें विशेष टीम को हमने तत्काल रवाना किया था और वहां पर फिर विशेष टीम के सहयोग से जो है उन उक्त तीन आरोपियों को पकड़ने में सहायता प्राप्त हुई है और उन तीनों को ही पकड़ कर आज लाया गया है। पुलिस की तहकीकात में बरेली के बहरूपिए बेनकाब हुए हैं। अब इन नटवरलाल की कुंडली पुलिस खंगाल रही है, आखिर ऐसी दोस्ती की आड़ में कितनी लड़कियां शिकार हुई है। एब्रॉड के नाम पर फ्रॉड के कितने किस्से, जांच जारी है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ऐसे किसी भी कॉल से आप भी रहिए हमेशा सावधान। क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क। समाज उतारेगा प्रत्याशी, बस्तर की सभी सीटों पर लड़ेगा चुनाव।
संसद के मानसून सत्र, राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल पास, लोकसभा में बिल पहले ही हो चुका है पास। राहुल गांधी